लास्ट में इसके अंदर हमने देखा था कि हमने किस तरीके से अपने 4 GPT को इसके क्वेश्चंस को कंपाइल्ड आउट किया था, जो कि सर अमीन आलम ने आपके लिए डिफाइंड आउट किए थे। आज इस वीडियो के फर्दर प्रोसेस की बात करेंगे, इन बाकी कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम अपने वीडियो स्टूडियो कोड में चलते हैं एंड मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताती हूँ। हमारे सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर सम पॉपुलर टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स फॉर द टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट? टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट के लिए ऐसे कौन से पॉपुलर फ्रेमवर्क्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं? तो यहाँ पे मैंने कुछ फ्रेमवर्क लिखे हैं जिसके अंदर हमारे पास जेस, मोचा, जैस्मिन एंड कार्मा जैसे जो फ्रेमवर्क्स हैं वो शामिल हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स के अंदर इन 4 फ्रेमवर्क्स का यूटिलाइजेशन किया जाता है। और भी फ्रेमवर्क्स होते हैं उनका यूटिलाइजेशन किया जाता है, बट इन 4 का यूटिलाइजेशन भी ज्यादातर कंपाइल किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास, हाउ डू यू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट मॉड्यूल्स इन द टाइपस्क्रिप्ट? आप टाइपस्क्रिप्ट में कैसे मॉड्यूल्स को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं? तो पहले एक्सपोर्टिंग की बात करते हैं, तो आप एक्सपोर्ट फंक्शंस में वेरिएबल, क्लासेस और मॉड्यूल्स को एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने एक मिसाल दी है फंक्शन से रिलेटेड, कि मैंने एक फंक्शन बनाया, उसको माई फंक्शन का नाम जो है क्या कहते हैं प्रोवाइड आउट किया और रिटर्न करा दिया उसके अंदर एक अदद स्ट्रिंग वर्ड के नाम से। लेकिन अगर आप गौर से देखें लाइन नंबर 123 में, तो मैंने इसके स्टार्ट में एक्सपोर्ट लिखा है, तो जो फंक्शन एक्सपोर्ट हो रहा है वो माई फंक्शन से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं यहाँ पर इसकी एक्सपोर्टिंग करते हैं। इसी के वाइस वर्सा जाते हैं, तो हमारी जितनी भी एंट्रीज होती है उसको हम किसी और मॉड्यूल से अगर इम्पोर्ट करना चाहें तो हम इम्पोर्ट का कीवर्ड यूटिलाइज करते हैं। मैंने क्लास बनाई है जिसको मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट किया है माई मॉड्यूल से, और फिर मैंने उस क्लास को जो है वो यूटिलाइज किया है एज अ प्रोग्राम। मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे के दिखाई है, अगर आप चाहें तो आप जो है यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी लिखते हैं लिख सकते हैं कि इन्होंने कहा था हाउ डू, तो हाउ डू यू का मतलब होता है कि आप करके दिखाएं। तो करके दिखाने के लिए मैंने दोनों की दोनों एग्जाम्पल्स भी आपको यहाँ पर बताती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पर और चेकआउट करते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 काफी इंपॉर्टेंट है हमारे पास टाइपस्क्रिप्ट से रिलेटेड। तो इसमें कहता है, हाउ डू यू डिफाइन अ वेरिएबल विद द स्पेसिफिक डेटा टाइप? अब जब इसमें डेटा टाइप की बात करिए ना, तो सारी डेटा टाइप इसके अंदर आ सकती है, लेकिन मैंने डेटा टाइप के अलावा और भी आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके बताया है। तो सबसे पहले मैंने स्ट्रिंग की डेटा टाइप बताई है, जिसमें मैंने लेट करके माई स्ट्रिंग बनाया, उसको स्ट्रिंग की डेटा टाइप असाइन की और हेलो टाइप स्क्रिप्ट जो है वो उसमें वैल्यू पास कर दिया। अच्छा, मैंने कहीं पे भी कंसोल नहीं कराया, तो कंसोल जो है कि अगर आप चाहें तो करा सकते हैं, अदरवाइज उन्होंने डिफाइन करने के लिए कहा था तो मैंने सिंपल डिफाइन किया है। देन मैंने नंबर का एक अदर डेटा टाइप बनाया, उसको मैंने लेट माई नंबर करके डिफाइन किया, डेटा टाइप नंबर दी और वैल्यू 42 असाइन की। इसी तरीके से बूलियन को भी असाइन करने के लिए माई बूलियन की वेरिएबल नेम का यूज किया और उसको वैल्यू 2 असाइन कर दी। इसके साथ साथ आप चाहें तो यहाँ पे एनी अननोन, अनडिफाइंड या नेवर वगैरह की कंडीशंस लगाना चाहें तो आप वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे कुछ और भी स्पेसिफिक वेरिएबल डेटा टाइप्स बताई है, जैसे कि अगर ये आपसे इसी सवाल को चेंज करके पूछ ले कि आप एरे को स्पेसिफिकली कैसे डिफाइन करेंगे, तो लेट माई एरे कॉलन, इसके बाद एरे की डेटा टाइप जो कि स्ट्रिंग में है नंबर में आपने डिफाइन करनी है। मैंने नंबर में दिए तो नंबर में प्रोवाइड आउट करके मैंने वैल्यू असाइन की है 1, 2 एंड 3। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, वेरिएबल असाइन करते हैं एरे के अंदर। अगर ऑब्जेक्ट में करना है तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या करूंगी, माई ऑब्जेक्ट के नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगी, सबसे पहले नेम बताऊंगी, डेटा टाइप बताऊंगी, एज बताऊंगी, उसकी डेटा टाइप बताऊंगी और फिर दोनों की वैल्यूज को असाइन कर दूंगी। इसी तरीके से इनम्स की बात की जाए, तो इनम्स के कलर्स से ज्यादातर यूटिलाइज किए जाते हैं, तो मैंने एक अदद इनम बनाया है, उसको कलर डिफाइंड आउट किया, उसको जिसमें रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर को डिफाइंड आउट करके मैंने माई कलर के वेरिएबल्स में कंसोल करवाया है सिंपल ग्रीन कलर। मैं आपको थोड़ा सा स्पेस दे देती हूँ ना, ताकि आपको पता चल जाए कि ये सारी चीजें एक दूसरे से जो है वो डिफरेंट है। ऊपर वाला तो ऑलरेडी आपको पता चल रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसमें मैंने ए एंड बी पैरामीटर पास किए हैं और आगे जाकर मैंने इसकी डेटा टाइप्स असाइन करने के साथ साथ इनको यहाँ पे रिटर्न कराकर सिंपल सम करा दिया एरो फंक्शन के थ्रू। तो इस तरीके से क्या है कि आप डिफरेंट टाइप की वेरिएबल असाइन कर सकते हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स को। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं किया ना, तो आप उसको लाजमी चेकआउट कीजिए। इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करी हूँ कि थ्योरिटिकल क्वेश्चंस कवर
कर लूं, ताकि जो है जो हमारे कोडिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें ऑब्वियसली टाइम लगता है कंसीप्रेशन में, तो थियोरिटिकल क्वेश्चंस कर लूंगी तो आपके पास क्वेश्चंस जो होंगे थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे। इसी तरीके से मेरे पास एक सवाल था यहाँ पे, व्हाट आर द प्रोमिसेस इन टाइप स्क्रिप्ट। एक्चुअली मैंने ये सब चीजें अपने चैनल पे ऑलरेडी प्रॉपर वीडियो के फॉर्मेट में समझा रखी है, तो इसलिए मैं जो हूँ हर एक चीज को समझा नहीं दिया। अगर आप प्रोमिसेस को इन डेप्थ समझना चाहते हैं, उसकी डिटेल्स वगैरह चेकआउट करना चाहते हैं, तो आई विल वीडियो प्रोवाइड आउट करती हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में भी प्रॉमिसेस से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड आउट करूंगी, सो मेक श्योर कीजिएगा कि उससे लास्ट में चेक कर लें अगर आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया, प्रोमिसेस बताने थे टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। तो प्रोमिसेस जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो दो काम करते हैं। मैंने प्रोमिसेस बताया था कि ये बिल्कुल बूलियन टाइप की तरह वर्किंग करते हैं, या तो ये ट्रू की कंडीशन रन करते हैं या तो फॉल्स की। तो बेसिकली वो या तो रिजॉल्व करते हैं या तो वो रिजेक्ट करते हैं। रिजॉल्व मतलब ट्रू एंड रिजेक्ट मतलब फॉल्स, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, उसको हमने नाम असाइन किया फेच डेटा का। मैंने कहा प्रोमिस जो भी मेरा कोई होगा वो क्या होगा, वो होगा स्ट्रिंग के अंदर। तो मैंने वैल्यूज को रिटर्न कराते हुए न्यू के इनहेरिटेंस के साथ प्रोमिस की कमांड का यूटिलाइजेशन किया, जिसमें मैंने रिजॉल्व और रिजेक्ट को कंपाइल किया एज एन एरो फंक्शन। इसके बाद क्योंकि प्रोमिसेस हैं तो डेफिनेटली सेट टाइम आउट का यूज किया जाएगा एसिंक्रोनस अवेट के लिए। तो हमने क्या किया कि सेट टाइम आउट यहाँ पर कंडीशन दी, और कंडीशन देके मैंने क्या कंडीशन लगाई है कि अगर प्रोमिस रिजॉल्व होता है तो आपने क्या प्रिंट करके देना है, डेटा फैच। और इसको प्रिंट करने के लिए मैंने यहाँ पर कितने सेकंड्स का डिले दिया है, 1 सेकंड का डिले, यानी कि 1000 जो है वो मिली सेकंड्स मैंने प्रोवाइड आउट किया। लास्ट में मैंने फैच डेटा को जो है वो इन्वोक कराया डॉट डेन की कमांड से, और कंसोल कराया है अपने डेटा को। अगर जो है क्या कहते हैं मेरे पास यहाँ पे डेटा रिजॉल्व होता है तो डेटा फैच लिख कर आएगा, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज मेरे पास एरर प्रिंट होकर आएगा। तो आप जल्दी से अपने विजुअल स्टूडियो कोड में इस कमांड को चेकआउट करें एंड मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि दोनों में से कौन सा आंसर आएगा, क्या मेरे पास डेटा फैच लिखा आएगा या फिर मेरे पास इस प्रॉमिस कंडीशन से एरर डिक्लेयर होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो फैच डेटा है वो रिटर्न कर रहा है प्रोमिसेस को और रिजॉल्व कर रहा है मेरे डेटा फैच को आफ्टर 1 सेकेंड। जो मेरा यहाँ पे देन की कमांड यूज करी है ये सक्सेसफुली हैंडल करी है रेजोल्यूशन ऑफ द लॉक ऑफ डेटा को, इसका मतलब रिजॉल्व जो है वो कंपाइल्ड हो रहा है। और जो कैच की कमांड यूज की है वो क्या करेगी, वो चेक करेगी कि क्या इसमें कोई एरर है या इसमें कोई एरर नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने कोड ठीक लिखा है तो डेटा फैच प्रिंट होकर आएगा। बट अगर यहाँ पे जो है कोड में कुछ प्रॉब्लम होती तो ऑब्वियसली मेरे पास एरर आता। तो इस तरीके से क्या है कि हम प्रोमिसेस को डिफाइन करते हैं। इस वीडियो के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 11th क्वेश्चन है, जिसके लिए हमसे कहा गया कि आप बताएं व्हाट आर सम बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर डिबगिंग द टाइपस्क्रिप्ट कोड। टाइपस्क्रिप्ट कोड को अगर डिबग करना हो तो उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती है। आप स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग करें सबसे पहले, आप देखें कि हर चीज ट्रू है, और आप ये भी देखें कि आपने जो डेटा प्रोवाइड आउट किया उसकी सबसे पहले स्ट्रिक्ट जो है क्या कहते हैं टाइपिंग चेक करें, फिर अपने TS कॉन्फिग पैकेज जेसन को चेकआउट करें, उसमें अपनी स्ट्रिक्टनेस को ट्रू रखें। इसके साथ साथ अपने सोर्स मैप को ट्रू रखें अगर आपको रखना आता है TS कॉन्फिग के अंदर, वैसे तो बाय डिफॉल्ट होता है, बट फिर भी अगर आपके पास जो है वो ना हो तो आप जरूर जो है क्या कहते हैं डीबग करने से पहले चेक करें अपने सोर्स मैप को। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ही यूटिलाइज होता है। इसके साथ साथ आप यहाँ पे जो है IDEs यूज करें लाइक विजुअल स्टूडियो कोड, जिसमें आपके पास एक्सेलेंट सपोर्ट होती है डीबग टूल की, यानी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी तरीके से तो आप उसको डायरेक्टली भी फिक्स करा सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर उसके IDE के डीबग सपोर्टिंग टूल्स के थ्रू। इसके साथ साथ क्या काम करें डीबगिंग के लिए, कि आप जब भी कोई कोड लिखें, आपने देखा होगा मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कमेंट्स लिखूँ, तो कमेंट्स जरूर लिखें। इससे क्या होता है कि आपको भी फायदा रहता है और जो भी कोई आपको कोड पढ़ता है उसको भी जो है यहाँ पर फायदा रहता है आपके कोड से रिलेटेड। तो हमेशा कमेंट्स वगैरह भी एड आउट करें। साथ ही साथ आप जब भी कभी कोई प्रोग्राम बनाए तो आप console.log एंड console.error का यूटिलाइजेशन जरूर करें अपनी लॉग इन्फॉर्मेशन को चेकआउट करने के लिए। तो इससे क्या होगा कि आपके पास यहाँ पर आपकी जो डीबगिंग का प्रोसेस होगा एक तो वो अच्छे तरीके से स्मूथली कंपाइल्ड होगा, एंड साथ में यहाँ पर आपको अच्छे से कंपाइलेशन भी मिलेगी। अपने क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पे आखिरी क्वेश्चन चेक करते हैं आज की वीडियो में, जो कि हमारे पास सम पॉपुलर IDE एंड कोड एडिटर विद बिल्ट इन सपोर्ट फॉर टाइपस्क्रिप्ट डेवलपमेंट। आपने ऐसे
पॉपुलर आईडीईज और कोड एडिटर्स बताने जिस जो के टाइप स्क्रिप्ट को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले विजुअल स्टूडियो कोड, क्योंकि आप खुद भी इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ साथ आप जो है वो यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट प्ले ग्राउंड का यूज भी कर सकते हैं, बट वो एक ऑनलाइन कोड एडिटर है हमारे पास और पॉपुलरली यूज भी किया जाता है। अगर आप चाहें तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप एटम का यूज कर सकते हैं, वो ओपन सोर्स कोड एडिटर होता है जो कि गिटहब की तरफ से बनाया गया, और साथ ही साथ आप सब लाइन टेक्स्ट एडिटर का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि वो लाइट वेटेड होता है और हाई परफॉर्मेंस ऑफ द कोड प्रोवाइड करता है। तो आज की वीडियो में हमने अपने थ्योरेटिकल सिक्स क्वेश्चन को चेक किया, और इससे पहली वाली वीडियो में हमने अपने थ्योरेटिकल के अलावा जो प्रैक्टिकल हमारे कोडिंग क्वेश्चंस थे उनको चेकआउट किया है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बोर नहीं करूँ अपनी वीडियोज के अंदर, एक पार्ट ऑफ द थ्योरी रखू एंड एक पार्ट जो है वो ऑफ द प्रैक्टिकल क्वेश्चन का रखू, ताकि आप आसानी से इसकी प्रैक्टिस कर सकें। अगर आपने अब तक पहले वाला पार्ट जो है वो चेकआउट नहीं किया है तो जाकर जल्दी से उसको चेक आउट कर लीजिए, वो भी मैंने अपलोड आउट कर दिया, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के पहले कमेंट में प्रोवाइड आउट कर दूंगी। सो मेक श्योर कीजिए कि आप इसे भी लाजमी चेक आउट कीजिए। जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैं आपके सर अमीन आलम की तरफ से डिजाइन किए गए, मैं उन सब से रिलेटेड आपको सोल्यूशन प्रोवाइड आउट करूंगी, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आपने वो वाली प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है इसको देख के, कोडिंग वाली या कोडिंग एमसीक्यूज वाली। हो सकता है कि आपके पास कोडिंग एमसीक्यूज आए, हो सकता है कि आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन आए, तो मेक श्योर करें कि दोनों की प्रैक्टिस करें। कोडिंग एमसीक्यूज के लिए आप जो है पार्ट वन से लेके पार्ट फाइव तक टाइप स्क्रिप्ट टेस्ट क्वेश्चन जो मैंने अपने चैनल पर अपलोड आउट किया आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, इन पांच वीडियोज को लाजमी चेकआउट कीजिए, इसके अंदर से क्वेश्चन है। चला बहुत जल्दी जो है वो मैं AIC का पेपर भी जो है वो आपको प्रोवाइड आउट करने वाली हूँ। सो मेक श्योर कीजिए कि आप जो है वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करने के लिए वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।